एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित कानहड़ गांव पड़ा। लगभग 1550 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह अलहावत हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 250 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 86 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 5 सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, पंचायत घर, पशु चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, पानी की टंकी, शमशान घाट, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह अहलावत, थाना दोगढ़, तहसील बरोद, ब्लॉक बिनोली, जिला बागपत का निवासी हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जो कार्य कराए, जब से प्रधान बना, और सबसे पहला मुख्य कारण हमारे गांव में था जो काफ़ी वर्षों से राशन नहीं मिला हुआ था, जो गरीब थे उनको राशन नहीं मिला हुआ था, उनके राशन कार्ड बनवाए और सबको नियम अनुसार नित्य हर महीने राशन दिलवाया, और आज तक किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं है। और अगला कार्य मैंने जो है गांव में 70 शौचालय बनवाए और 20 सोलर लाइट और हर चौराहे पे बल्ब लगवाए और 5 आरसीसी बनवाई, 2 इंटरलॉक बनवाई और 1 जो है गांव में हरिजन चौपाल की बहुत समस्या थी, हरिजन चौपाल बनवाई और करीब 50-60 लाख रुपए का कार्य है। विधायक सी कोटे से और जिला पंचायत से एमपी कोटे से गांव की पैसे की जो अभाव के कारण आगे जो हमने काम के लिए सरकार से जो मांग है उसके लिए जो है हमने जो है अपना प्रस्ताव सरकार को सरकार के सामने ब्लॉक के सामने आगे रख दिया। जैसे हमारे जो है गांव में खेल का मैदान नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले खेल के मैदान की ज़रूरत है, वो काफ़ी लोगों ने दबा रखी जगह, उसको छुड़वाने का प्रयास किया जा, हम उसके प्रयास में हैं। और जो है एक गांव में निकासी का जो पलडी मार्ग है उस पर निकासी की जगह नहीं है और उस पर जो है करीब नाला और 500 मीटर जो है सड़क की ज़रूरत है, उसे कराया जा। और जो है जैसे प्राइमरी स्कूल है और जूनियर है उसकी चार दीवारी के लिए हमने प्रयास कर रहे, पैसे की ज़रूरत है और शौचालय की ज़रूरत है स्कूल में, और जो है शमशान घाट पर जो है इंटरलॉक की और शमशान घाट की ज़रूरत है सुंदरता के लिए, और तालाब खुदाई की ज़रूरत है गांव में और उसकी सौंदर्यकरण के लिए ज़रूरत है। और उसके साथ साथ में जो है एक जो है गाँव में हमने 200 पोल तो लगवाए और 2 ट्रांसफार्मर लगवाए, करीब जो है 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कम से कम 50 खंभों की ज़रूरत है। और गांव में कब्रिस्तान है गांव में उस पर 4 दीवारी की ज़रूरत है, काफ़ी लोग परेशान हैं उससे। और जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है करीब 12 गाँव में पात्र हैं गरीब, उनके मकान बनवाए जाएं, और इससे पहले 2 लोहिया आवास गाँव में बन चुके हैं जो पात्र थे, 12 ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं उनके भी मकान बनवाए जाएं। धन्यवाद।